इस वक्त मौजूद हैं जी हम बिल्कुल बाबू सर टाप के ऊपर, और सामने के आपको मैं व्यूज चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह आप चेक करें पीक्स किस तरह क्लियर नज़र आ रही हैं, क्योंकि वेदर आप बहुत ही क्लियर वेदर है। और यहाँ से इस तरफ का व्यू अगेन जी, हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है, चली ब्रेक, और यहाँ पे आप लोग चलिए एंजॉय कर रहे हैं। छोटा सा हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है जी, एक हमारे दोस्त आ रहे हैं उनके लिए, और इस तरफ हमारी तमाम ब्रेक्स, हमारे ऑफ रोड क्लब के यहाँ पे स्टिकर्स, गाइस दिस इज यासिर, वेलकम बैक टू जीप जर्नीज। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं जी हज़ारा मोटरवे पे, और हम जा रहे हैं जी टुवर्ड्स सरफरंगा जीप रैली में कोल्ड डेजर्ट। और सबसे पीछे अब आप हमारी रिक्स देख सकते हैं, सफ़र हमने सांबा से स्टार्ट किया तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मानसेरा, और मानसेरा से आगे अब हम इंशाल्लाह निकलेंगे। होप से इंशाल्लाह आपको हमारी जो सीरीज़ है ये पसंद आएगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट। और ये हमारी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारी रिक्स है तो सबसे लास्ट हमारी गाड़ी सर्फ खड़ी है, ये हमारी रैली की गाड़ी है, बाकी जो है वो हमारा एक सपोर्ट क्रू है। और आज हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर हमारी कंप्लीट बैजिंग भी हो चुकी है हमारे क्लब की, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बैजिंग लग रही है। और सफ़र को यहाँ से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो प्लान है, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा इंशाल्लाह नारायण के बाद किसी जगह हम रुकेंगे, और एंड देन इंशाल्लाह रात तक हमने कोशिश करनी है कि हम पहुँचें सिकरदू। तो होप से इंशाल्लाह आपको ये सीरीज़ हमारी सरफरंगा की इंशाल्लाह आप लोग इसको पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून। हमारी जितने भी रिग्स जो है ना यहाँ पे लगी हुई हैं ऑलरेडी, सबसे आगे हमारी पिजेरो, उसके बाद सर्फ, दो फॉर्चूनर्स एंड देन सर्फ, और अभी हम स्टिकर लगा रहे हैं अपने ऑफ रोड क्लब के, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे निकलेंगे। ये है जी हमारा अपना क्लब लोगो, माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं सारे, वीडियो बढ़ रही है माशाल्लाह, चेक कर रहे हैं, ओए होए होए क्या सीन है, लग बहुत फिट रही है, बॉयज हमारे पागल हो गए हैं, उधर ही जा गए हैं। एक छोटा सा हमने यहाँ पे लिया है जी ब्रेक, माशाल्लाह खूबसूरती आप चेक करें, नीचे जा रहे हैं रिवर कुनहार, और इस तरफ हमारी तमाम की तमाम रिग्स लगी हुई हैं। ये हमारी रैली की गाड़ी है 1KZ सर्फ, जी अहमद भाई कैसा रहा है अभी तक? जबरदस्त यार माशाल्लाह, खूबसूरत वेदर है और खूबसूरत लोग हैं, और ये बात और ये कुछ इस तरह के सीन है यहाँ पे, खूबसूरती माशाल्लाह आप चेक करें। अभी है जी हम एक शॉर्ट ब्रेक के ऊपर कागान से थोड़ा सा पहले, और ये आप देख सकते हैं पीछे हमारी तमाम पे गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, थोड़ा सा रेस्ट मार रहे हैं, और इस तरफ रिवर है और रिवर के साथ साथ बकरियाँ हैं, तो बहुत मज़े का एक मौसम भी है यहाँ पे, इंजॉय भी कर रहे हैं, सीन माशाल्लाह बहुत आला है। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे निकलते हैं। ये आ गई है जी टनल जो नई बनी है अभी डैम की वजह से, लाइट नहीं है,
टनल की वजह से रास्ता वैसे काफी शॉर्टकट हो गया। अगेन जी हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है, चली ब्रेक, और यहाँ पे सब लोग चलियाँ एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इस तरफ ये हमारी रिक्स, ये हमारे चली वाले भाई, और ये नीचे जा रहा है दरियाए कुनहार। माशाल्लाह चेक करें पानी कितना साफ है, क्लियर ब्लू वाटर माशाल्लाह। सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारान, और ये डिस्टेंस तकरीबन हमारा हुआ है जी 4-4.5 घंटे के अंदर, और अभी हम निकलेंगे बाईपास रोड को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमें सिटी में नहीं जाना और वहां से निकल जाएंगे हम बाहर। सो जी हम एंटर हो चुके हैं सत्यनारायण बाजार में, रश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने कंफर्म करना था रेस्टोरेंट का, मून रेस्टोरेंट अगर बेसर का ओपन है तो यहां से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी और लंच वहां पे हम करेंगे। और नारायण का जो बाजार है बिल्कुल खाली है और इस टाइम रश ना होने के बराबर है। अभी जी हमने एक ब्रेक लिया है जस्ट नारायण क्रॉस करके, उस वक्त हम रुके हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पिजेरो है हमारे अहमद भाई की, ये जिसमें अभी मैं फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ। बहुत ही रिलायबल गाड़ी है ये माशाल्लाह से, जिस तरह अभी तक हमने सफ़र किया इसमें, और बेहतरीन। थैंक यू भाइयों। सो जब भी हम पहुंच चुके हैं बेसर, टाइम हो चुका है हमारे पास तकरीबन 1:35 पे हम बेसर पहुंचे हैं। तकरीबन 7 घंटे का सफ़र हमने यहां तक तय किया है, गाड़ियां हमारी ये लग चुकी हैं तमामतर एक फॉर्मेशन में, और यहां पे भी हम करेंगे लंच, एंड लंच के बाद इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। सुबह के हम निकले हुए हैं जी, शाम सुबह 5 बजे के, और इस टाइम तकरीबन 1 बजे का टाइम है और हालत टाइट हो चुकी है। और लड़के हमारे देखें इधर किस तरह लंबे पड़े हुए हैं, हर एक ने अपनी अपनी चारपाई पकड़ ली हुई है यहाँ पे और रेस्ट मार रहे हैं। लंच करते हैं इंशाल्लाह, लंच करके फिर आगे निकलेंगे। एवरीवन इज स्लीपिंग हियर, कासिम यहाँ पे शोर डालते हुए उठाते हुए सबको। मौजूद हैं जी हम बिल्कुल बाबूसर टॉप के ऊपर, और सामने के आपको मैं व्यूज़ चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह आप चेक करें पीक्स किस तरह क्लियर नज़र आ रही हैं, क्योंकि वेदर आप बहुत ही क्लियर वेदर है, और यहाँ से इस तरफ का व्यू खूबसूरत माशाल्लाह। इस तरफ हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये कुछ इस तरह के सीन्स हैं बाबूसर टॉप के। सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, और ये आई थिंक कोई नहीं है जो चेक पोस्ट अभी बना रहे हैं यहाँ पे। और इस तरफ पीछे जीबी के पहाड़, और इस तरफ पीछे कश्मीर के पहाड़, और इस तरफ पीछे केपी के पहाड़, माशाल्लाह की खूबसूरती है यहाँ पे।
अच्छा जी, अभी हम बाबूसर टॉप पे हैं और वो सामने, क्योंकि आज मौसम क्लियर है और नांगा पर्वत किलर माउंटेन अपना दीदार करवा रही है। और बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको नांगा पर्वत अपना दीदार करवाती है। स्टिल क्लाउड्स हम देख सकते हैं उसके साइड्स पे, लेकिन बड़ा ही क्लियर व्यू है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी हम जो है चिलास पहुंचने लगे हैं। बाबूसर टॉप से ऑलमोस्ट हमें मेरे ख्याल में 1 घंटा लग गया होगा। बीच में चाय का हमने स्टॉप भी लिया। सूरज ग़ुरूब हो रहा है, वो सामने आप जो है ज़ीरो पॉइंट देख सकते हैं। ज़ीरो पॉइंट बेसिकली मेन कराकरम हाईवे को और जो ये बाबूसर से रोड आ रहा है, ये आपस में कनेक्ट करता है इसको। अभी हम जो है ना यहाँ से राइट होंगे कराकरम हाईवे पे और स्ट्रेट रायकोट ब्रिज से होते हुए स्कर्दू के टर्न तक जाएंगे और वहाँ से हम सीधा स्कर्दू चले जाएंगे। तो मज़ीद मेरे ख्याल में हमें यहाँ से 4 घंटे स्कर्दू तक लगेंगे। अभी तक तो सफ़र बेहतरीन गुजर रहा है। जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थकावट होगी, उतनी हुई नहीं है। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, ठंड है। इस मंथ में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इससे पहले हम आते रहे जून जुलाई में, तो अभी तक का एक्सपीरियंस भी बहुत फिट जा रहा है। और ये आप देखें, जो सूरज ग़ुरूब होने से पहले ये जो पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे जो सूरज की रोशनी लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि हमें नांगा पर्वत का व्यू क्लियर मिलेगा कि नहीं। अभी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि व्यू मिल जाएगा। और चिलास से हम थोड़ा सा आगे जाके रिफ्यूलिंग करवाएंगे सब गाड़ियों की, और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हमें रिफ्यूल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम नॉन स्टॉप स्कर्दू पहुंच जाएंगे। ये कराकरम हाईवे पे हम आ चुके हैं और वो सामने आप देख सकते हैं कराकरम हाईवे। हमारे साथ साथ दरियाए सिंध भरपूर अपनी पुरजोश अंदाज में जा रहा है। किधर पुरजोश तो नहीं है, उन्हें नहीं इतना। इस वक्त ये मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की अजान हो चुकी है और इस टाइम हम थोड़ा सा चिलास से आगे आ गए हैं और यहाँ पे खड़े हैं। सूरज बिल्कुल नीचे चला गया है, सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, और अब नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह हम आगे की तरफ। गाड़ी वहाँ पे ले जाके आगे। इस टाइम हो चुका है जी 8:30 का टाइम और तकरीबन हमें 14 घंटे हो गए हैं मुसलसल रोड के ऊपर। और इस वक्त अभी हम स्कर्दू से तकरीबन 110 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पे अभी हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए, चाय पियेंगे एंड देन इंशाल्लाह फिर आगे निकलेंगे। तक हमारा 1.5 आवर का सफ़र जो है वापस जो रिमेनिंग रह गया है। फाइनली वी हैव रीच स्कर्दू आफ्टर 18 आवर्स ड्राइव। तो इस वक्त हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं अपने रूम्स में। वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। होप तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बस लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।